अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और कुरान से अपना ताल्लुक जोड़े रखे होंगे, क्योंकि कुरान ही वो वाहिद जरिया है जिसके जरिए, जिसको पढ़कर, जिसको समझकर और जिस पर अमल करके हम दीनों दुनिया में कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, यानी ए मोमिनीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू स्तईनू बिस्सब्री वस्सलात, ए मोमिनो इस्तईनु मदद मांगो, बिस्सब्री सबर के साथ, वस्सलात और नमाज के साथ। ए मोमिनीन, ए लोगो जो ईमान लाए हो, मदद हासिल करो अल्लाह की। दो तरीके बता दिए गए, सबर और नमाज के साथ। इन्नल्लाहा, बेशक अल्लाह ताला, मा अस्सोबिरीन सबर करने वालों के साथ है। वला तकूलू, और ना कहो, लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाही, जो मारे जाए, फी में सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अमवात, मुर्दा। वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाही अमवात, और मत कहो जो अल्लाह की राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा ना कहो। बल अहया उन, वो जिंदा हैं। वलाकिल्ला तशअरून, बल्कि तुम ही शऊर नहीं रखते। अब इस आयत से अगली आयत पे हम जाते हैं। वला नबलू वन्नकुम बेशाइन, वला नबलू वन्नकुम, वला नबलू वन्ना, हम आजमाएंगे को तुम्हें। अब फिर जोड़ के पढ़ें, वला नबलू वन्ना को, हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, बेशयन किसी भी चीज के साथ, मिनल खौफी खौफ से, वल जूई भूख से, वनक्सिम मिनल अम्वाली माल में कमी से, वल अनफुसी जान में कमी से, बस समरात और फलों की कमी से। वह बशरी साबिरीन, और खुशखबरी सुना दो सबर करने वालों के लिए। अब अल्लाह ताला बेटा हमें किन किन चीजों से आजमाएंगे? हमें नहीं, उन्होंने हमसे पहले पैगंबरों को, रसूलों तक को आजमाया। फरमा रहे हैं, वला नबलू वन्नकुम, हम तुम्हें आजमाएंगे, बिशाइन किसी भी चीज के साथ, मिनल खौफ खौफ से आजमाएंगे, वल जूई भूख से आजमाएंगे, व नक्सिम मिनल अम्वाली वल अनफस जान और माल में कमी करके आजमाएंगे, बस समरात फलों में कमी से आजमाएंगे, व बशरी सौबिरीन, और जो इन तमाम आजमाइशों में माल कम हो गया, जान चली गई, फल खुराक कम हो गई, भूख से खौफ से, और लेकिन इनमें जो सब्र करेंगे उनको खुशखबरी सुना दे। अब साबरीन की आगे वजाहत होती है, अल्लज़ीना जो लोग, ईज़ा जब, और सौबतुम उनको आती है कोई मुसीबत, असाबतुम आती है उन पर मुसीबत, उनको कोई मुसीबत पहुंचती है, कौलू कहते हैं, इन्ना लिल्लाही, इन्ना हम लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, इन्ना लिल्लाही हम अल्लाह के लिए हैं, वह इन्ना और हमें, इलैही राजिऊन इसी की तरफ लौटना है। यानी सौबरीन के एक निशानी बता दी गई है कि उन्हें जब कोई दुख तकलीफ आजमाइश आती है तो वह कहते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन, हम रोजमर्रा जिंदगी में ये जुमला बोलते हैं, इसका मतलब है इन्ना लिल्लाही हम अल्लाह ही के लिए हैं, वह इन्ना इलैही राजिऊन और हमने इसी की तरफ लौट कर जाना है।
उलाई का, यही वो लोग हैं, अलैहिम इनके ऊपर सलावात उन मेहरबानियां हैं, मिन रब्बिहिम इनके रब की वह रहमत और रहमत। और यही वो नेक लोग हैं जिन पर अल्लाह की मेहरबानियां हैं और अल्लाह की रहमत इनके साथ है। वह उलाई का हुमुल मुहतदून, और यही वो लोग हैं जो हदायत याफ्ता हैं। ये आयत नंबर 153 से लेकर 157 तक मैंने अभी पढ़ा है, और इन सब के जो हैं वो दोबारा से मैं इनको पढ़ाती हूँ कि इनमें क्या जिक्र किया जा रहा है। सबसे पहले बेटा आप देखें, बहुत ही खूबसूरत चीज बयान की गई है जो ईमान अफरोज है और मुसलमानों को हदायत दी जा रही है कि वो अपने अजीम किरदार की तकमील के लिए सबर और नमाज से मदद लें। और कहा जा रहा है मदद मांगो अल्लाह की सबर और नमाज के साथ। कुरान करीम में अक्सर सबर का जिक्र आया। अल्लाह ताला अच्छी तरह जानते हैं कि जब हम सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं तो हमें कौन कौन सी मुश्किलात पेश आती हैं, और जमीन पर अल्लाह के दीन को जब नाफिज करने की कोशिश करते हैं तो कितने हौसलों की जरूरत पड़ती है। इन तकलीफों से, इन दुश्वारियों से मुकाबला करने के लिए और इस कोशिश में साबित कदम रहने के लिए सब्र और इस्तकामत इंतहाई जरूरी है। लेकिन जब तकलीफों की ज्यादती और इनके तसलसल से हमारे सब्र में कमी आ जाए तो फिर चश्माए नमाज से मदद ली जाए ताकि सब्र का सिलसिला कमजोर ना हो, जारी रहे और कभी ना टूटे, और सब्र के साथ साथ नमाज के जरिए इत्मीनान और यकीन भी हमें मिलता रहे। रोजा रखना भी सबर है, इसलिए रमजान के महीने को सबर का महीना कहा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजा आधा सबर है। सबर से मुराद गुनाहों से रुक जाना है। इमाम जैनुल आबदीन फरमाते हैं कि क्यामत के दिन एक निदा, एक आवाज आएगी कि सब्र करने वाले कहाँ हैं, वो उठेंगे और बगैर किसी हिसाब किताब के उन्हें जन्नत में भेज दिया जाएगा। कुरान पाक में इरशाद होता है सब्र करने वालों को उनका पूरा पूरा अजर बेहिसाब दे दिया जाएगा। जब रोशनी की कोई किरण बाकी ना रहे और जिंदगी की हर राह तारीख हो जाए, ऐसे मौके पर नमाज अल्लाह में और इंसान में एक ताल्लुक कायम करती है। जब हमें हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, आगे जाने का कोई रास्ता समझ नहीं आता, तो इस परेशानी में नमाज इंसान और खुदा के दरमियान के ताल्लुक को वाज़े करती है। इंसान को बताती है कि इंसान अकेला नहीं है, उसका रब उसके साथ है। और नमाज जो है इंसान और खुदा में एक ताल्लुक कायम कर देती है और एक बेचैन रूह की ठंडक और एक दुखी इंसान के लिए रहमतों का साया बन जाती है। नमाज से दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बात में मुश्किल महसूस करते थे तो कहते थे, ऐ बिलाल, हमें इस तंगी से नमाज के जरिए राह दिलाओ। जब कोई परेशानी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से नमाज पढ़ा करते थे। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई काम मुश्किल और गम में डाल देता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन नमाज पढ़ने लगते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को सफर में अपने भाई की इंतकाल की खबर मिलती तो आप इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर नमाज शुरू कर देते और बहुत लंबी नमाज अदा करते ताकि उनके दिल को सुकून मिले।
पहली आयत जो मैंने पढ़ी उसमें है एक बहुत आसान तरीका अपनी मुश्किलात को हल करने का बता दिया गया कि जब भी हमें कोई मुश्किल कोई परेशानी पेश आए तो अल्लाह से मदद मांगो। सब्र और अल्लाह से मदद मांगने के दो तरीके बता दिए गए कि पहले सब्र और इस्तकामत से हौसले से काम लो और फिर उसके बाद नमाज पढ़ो। नमाज अल्लाह और अपने बंदों के दरमियान ताल्लुक को मजबूती से कायम रखती है। इसके बाद शहीद का जिक्र किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये उस वक्त का जिक्र है जिस वक्त मदीना मुनव्वरा में इस्लामी तहरीक चल रही थी और कुरान मुसलमानों की रूहानी तरबियत कर रहा था और इस कश्मकश के दौरान जो कुर्बानियां पेश आती हैं उनके बारे में कहा जाता कि जो लोग अल्लाह की राह में मारे जा रहे थे उनके बारे में कहा गया कि वो जिंदा हैं, जिनकी कैफियत का हमें अंदाजा नहीं। कहा जा रहा है कि जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल आयाउन, वो जिंदा है। इसी की वजाहत बेटा मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि जो शहीद होते हैं वो आलमे बरजख में एक खास हयात के साथ है और आम इंसानों की तरह वो मुर्दा नहीं है। असल में ये हुआ, मैं आपको समझाने की मजीद कोशिश करती हूँ कि गजवाए बदर में जब कुछ सहाबी शहीद हो गए तो बेवकूफ कम अकल काफरों ने ये कहना शुरू कर दिया कि देखो कितने बेवकूफ थे, मारे गए, अपनी जिंदगी गंवा दी। उनको जवाब अल्लाह ताला दे रहे हैं कि तुम अगर उन्हें मुर्दा कह रहे हो, वो तो मुर्दा है ही नहीं, वो है बल्कि वो जिंदों से कहीं बढ़कर हर लज्जत से लज्जत याब हो रहे हैं। इस तलाम में ऐसे मक्तूल को शहीद कहते हैं। बरजख की जिंदगी सबके लिए है लेकिन शहीदों को इस आलम में एक खसूसी और इम्तियाजी जिंदगी हासिल होगी। आसारे हयात में दूसरों से कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे और इस हयात की कुवत का असर उसके जसद जाहिरी तक भी जाएगा। इसकी मिसाल ये है कि वो जिंदा हैं और उनका मुकाम हजरत अंबिया से भी ज्यादा है, यानी उन्हें मुर्दा कहने की बेवकूफी ना करो। जो अल्लाह की राह में मारे जाते हैं वो जिंदा हैं। एक और हदीस में है कि अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया के जिस्म को खाए। इमाम मालिक ने अब्दुल रहमान से रवायत किया, वो कहते हैं मुझ तक ये बात पहुंची है कि दो सहाबी अहद के दिन शहीद हुए, एक ही कब्र में दफन कर दिए गए। जब सैलाब की वजह से कब्र खराब हुई तो तय पाया कि किसी और जगह दफन कर दिया जाए। जब कब्र खोदी गई देखा गया तो वह दोनों बिल्कुल सही सालिम थे, हालांकि इनकी शहादत को 46 साल गुजर चुके थे लेकिन उन जमीन की मट्टी ने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एक और जगह आता है कि शहीदों की जो रूहें हैं सब्ज रंग के परिंदों के कालिब में हैं, जहां जी चाहता है जन्नत में जाते हैं, सैर करते हैं और चाहते हैं कि हम दुनिया में जाएं दोबारा शहीद होके अल्लाह की बारगाह में पेश हों। लेकिन अल्लाह ताला उन्हें कहते हैं कि मैं लिख चुका हूं कि मरने के बाद दोबारा दुनिया में कोई नहीं जा सकता। और जब शहीद जन्नत में गए और वहां अपनी मंजिलें, अपनी रहमतें, अपनी राहतें देखी तो कहने लगे काश इसका इल्म हमारे बहन भाइयों को होता ताकि वो भी जिहाद करें और हमारे साथ जन्नत में हिस्सेदार बन जाएं। अब इससे अगली आयत में हमने पहले मैंने आपसे बताया कि बेटा पहली आयत जो हमने पढ़ी अल्लाह ताला कहते हैं ऐ मोमिनो अल्लाह की मदद हासिल करो सबर और नमाज के साथ।
और फिर दूसरी आयत में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो मेरी राह में शहीद हो जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। और इसके बाद अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाता है जिस तरह उसने तुमसे पहले पुरानी उम्मतों को, पुराने लोगों को, पुराने पैगंबर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को भी आजमाया। और वो किस तरह आजमाएंगे के, और जो इन आजमाइशों में साबित कदम रहेगा अल्लाह ताला उसे किस तरह इनामात से नवाजेंगे। यानी उम्मत मुस्लिमा को हर किस्म की मुश्किलात और तकालीफ का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जा रहा है, और उनको कहा जा रहा है मुसलमानों को कि हर किस्म की मुशक्कत, जद्दोजहद, भूख, खौफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएंगे भूख से, खौफ से, जान और माल में कमी से, फलों में कमी से। इसी तरह इन तकलीफों को बर्दाश्त करके ही वो सिराते मुस्तकीम पर चल सकेंगे, और यही जजा है उनके जान और माल की कुर्बानियों की, यही इनाम है उनकी भूख, खौफ और सख्तियों को बर्दाश्त करने की। इसी तरह अल्लाह ताला अपने जानिसार अफराद को तैयार करते हैं ताकि वो सख्तियां और मुसीबतें बर्दाश्त करने के आदी हो जाएं और अपने अकीदा इस्लाम की हिफाजत कर सकें, क्योंकि मोमिनीन अकीदे के रास्ते में जितनी तकलीफें बर्दाश्त करेंगे इस कदर वो अकीदा इनके दिलों में पुख्ता हो जाएगा। अब हम रोजमर्रा जिंदगी में एक लफ्ज बोलते हैं, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन। ये जबान से नहीं कहना चाहिए बल्कि दिल से इस बात का कायल होना चाहिए कि हम सिर्फ अल्लाह ही के लिए हैं। इसलिए अल्लाह के, और जो कुछ हमें दिया है माल वो भी अल्लाह ने दिया है, जो हमें औलाद दी है वो भी अल्लाह ही की वजह से हमें मिली है। तो अगर ये चीज हमसे छीन गई तो ये अल्लाह ही की चीज थी, ये हमारी तो नहीं थी, हम खुद अल्लाह ही के हैं और हमने एक दिन अल्लाह ही के पास लौट कर जाना है। दुनिया फानी है, क्यों ना इसकी राह में उसके बताए हुए काम करके जाएं, फिर उसके सामने हाजिर हों। यानी पहली आयत में मोमिनीन को कहा गया कि अल्लाह की मदद मांगो सबर और नमाज के साथ। दूसरी आयत में कहा जो उसकी राह में मारे जाएं उन्हें शहीद ना कहो, वो जिंदा हैं। फिर बताया गया कि हम तुम्हें भूख से, खौफ से, जान और माल में कमी से, फलों में कमी से आजमाएंगे, और खुशखबरी सुना दो सब्र करने वालों के लिए। सब्र करने वाले क्या कौन है कि जब उनका कोई भी नुकसान होता है वो कहते हैं हम तो अल्लाह के लिए हैं और हमने अल्लाह की तरफ ही लौट कर जाना है। ऐसी सोच पर, ऐसी सोच रखने वालों पर अल्लाह ताला ने मेहरबानियां और इनामात नाजिल किए हैं, और यही लोग हदायत पाने वाले हैं। इससे अगली आयत अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नस सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। बेशक सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। फमन हज्जल बैता, बेशक फिर जो शख्स हज करे अल्लाह के घर का, अवे तमरा या उम्रा करे, फला जुनाहा अलैहि, कोई गुनाह नहीं, अन यतवफा बिहिमा, कि इन दोनों के दरमियान तवाफ करे। वमन ततवा खैरन, और जो कोई भलाई का काम खुशी से करे, फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला कदरदान और जानने वाला है। अब यहां से सफा और मरवा दो पहाड़ियां हैं। इसकी वजाहत करते हैं कि सफा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, और जो कोई खाना काबा का हज करता है या उमरा करता है तो इस पे कोई गुनाह नहीं कि इन दोनों का तवाफ करे, और जो कोई खुशी से नेकी करे या भलाई करे तो अल्लाह ताला शाकिरुन अलीम, जानने वाला और कदरदान है। अब जब हम मुसलमान जिन पर हज फर्ज है और उमरा भी करने हम जाते हैं, लेकिन कुछ मुसलमान हज और उमरे के दौरान सफा और मरवा के दरमियान सई करते हुए तंगी महसूस करते थे,
क्योंकि इन दोनों पहाड़ियों के दरमियान लोग तवाफ किया करते थे और इन पहाड़ियों पर दो बुत भी रखे हुए थे। इस्लाम ने मोमिनीन के दिलों की कैफियत ही बदल डाली और वो ये सोचने लगे कि कहीं सफा और मरवा के दरमियान सही जमाना जाहिलियत की यादगार तो नहीं जो बुतों का लोग तवाफ करते थे। इस पर अल्लाह ताला उनको जवाब देते हैं कि सफा और मरवा तो अल्लाह की निशानियों में से है। अब इनका तवाफ करने वाला हज और उमरे के दौरान ये सोचकर इनका तवाफ करेगा कि वह तो अल्लाह के लिए इनका तवाफ कर रहा है और इसका मकसद अल्लाह की खुशनुदी है, तो मुसलमानों के दिलों में कोई तंगी नहीं होगी। और हज और उमरा दोनों ही में सफा और मरवा के दरमियान तवाफ करना जरूरी है। साथ फरमा दिया गया वमन ततवा खैरन, जो कोई अपने शौक से नेकी करे, इसका मतलब है कि बजाय 7 चक्रों के 8 या 9 चक्कर लगाए, या नफली हज और उम्रे में भी सफा और मरवा का तवाफ करे, यानी ज्यादा देर वहां रहे, तो ये भी बेमुनासिब है। और बाज ने इसे आम रखा है, यानी हर नेकी में ज्यादती करे। और इस तरह अल्लाह ताला कदरदान है, यानी थोड़े से काम पर भी ज्यादा सवाब देगा। यानी वो सोचे मैं ज्यादा तवाफ करूंगा तो अच्छी नीयत कर लेगा और थोड़े तवाफ करेगा फिर भी उसे पूरा सवाब मिलेगा। यानी ज्यादा नेकी करने की नीयत कर लेना और अल्लाह की रजा के लिए तवाफ करना, तो हमें उतना ही सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला खूब जानता है, कदर करता है। इससे अगली आयत है इन्नल लजीना, बेशक जो लोग यक्तुमूना छुपाते हैं, कतमाने हक का जिक्र होता है, हक को छुपाना। इन्नल लजीना जो लोग यक्तुमूना छुपाते हैं मा अनजलना जो हमने नाजिल किया, मिनल बय्यिनात निशानियों में से, रोशन निशानियों में से, वल हुदा और हदायत, मिम बादी मा बयन ना हो लिन्नास इसके बाद जब हमने इसे बयान कर दिया लोगों के लिए, फिल किताब किताब में। कता माने हक, हक को छुपा देना जानने के बाद। बेशक वो लोग जब तो मुना छुपाते हैं मा अनजलना जो हमने उतारा, मिनल बयीनात खुली निशानियों में से, वल हुदा और हदायत में से, मिम बादी मा बयन ना हो लिन्नास जबकि हमने इसको लोगों के लिए बयान कर दिया, फिल किताब किताब में। यानी जो लोग हमारी नाजिल की हुई रोशन निशानियों और हदायत को छुपाते हैं जबकि हम इसको किताब में बयान कर चुके हैं, उलाई का यही वो लोग हैं, यल अनहुमुल्लाहु जिन पर अल्लाह लानत करता है, व यल अनहुमुल्लायनून और तमाम लानत करने वाले इन पर लानत करते हैं। किन पर लानत करते हैं? जो हक को जानते हैं फिर उसको छुपा देते हैं। इल्ला लजीना, इससे पहले बेटा कतमाने हक की मैं वजाहत कर लूं, एक ही आयत मुश्किल है, समझना जरूरी है। अब यहूदियों से मुखातिब अल्लाह ताला हो रहे हैं। कतमाने हक, हक को छुपाना, शॉर्ट आंसर पूछा जाता है। कतमाने हक से क्या मुराद है? झूठ को, हक को छुपा लेना। कौन छुपाया करते थे? यहूदी अल्लाह की आयात को छुपाते थे, मक्कारियां करते थे। और यहूद के उलमा की सबसे बड़ी बीमारी यही थी कि अल्लाह के किताब के इल्म को फैलाने के बजाय उन्होंने इनको चंद मजहबी पेशावर लोगों के हवाले कर दिया और अवाम से उनको दूर रखा। अहले किताब अपने पास मौजूदा आसमानी कुतब के जरिए जानते थे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत बरहक है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकामात बयान फरमाते हैं वो भी बरहक है, मगर इसके बावजूद वो अल्लाह के अहकाम को छुपाते थे। इन पर अल्लाह ताला गुस्से और नाराजगी का इजहार करते हैं। इन लोगों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से धुतकार दिया है और इसी चीज से बचने की नसीहत मुसलमानों को की जा रही है कि जिस उम्मत के जिम्मे दुनिया की हदायत का काम है उसका फर्ज है कि इस हदायत को छुपाने की बजाय
ज्यादा से ज्यादा फैलाए, क्योंकि किसी भी उम्मत का दुनिया की इमामत के लिए मुंतखब होना अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत है। इसी तरह लानत अल्लाह की सबसे बड़ी सजा है। जिस कौम को ये सजा दी जाती है वो दुनिया में हदायत से मनसबे इमामत से महरूम करके जिल्लत और ख्वारी में मुब्तला हो जाता है, और इनको आखरत में हमेशा का अजाब मिलता है। उन पे अल्लाह की लानत से मुराद वो हर किस्म की हदायत से महरूम कर दिए जाएंगे, और जिन पर अल्लाह लानत करता है तो उनको दुनिया और आखरत की हर चीज लानत करने लगती है। अगली आयत पे जा रही हूँ, इल्लल्लज़ीना ताबू, लेकिन वो लोग जिन्होंने तौबा की, वह असलहू अपनी इस्लाह कर दी, वह बयानू और बयान कर दिया सही बात को, फाउलाई का, ये वही लोग हैं, अतूबू अलैहिम, इनकी तौबा कबूल होगी। अगर गलती हो गई ना चाहते हुए तौबा कर ली जाए, इस्लाह कर ली जाए, सही बात बयान कर दी जाए, तो ऐसे लोगों की तौबा अल्लाह कबूल फरमाएंगे। वह अन्नत तवाबुर रहीम, क्योंकि अल्लाह तौबा कबूल करने वाले और रहम करने वाले हैं। इन्ना लजीना कफरू, लेकिन इन्ना लजीना कफरू, अब जिन्होंने तौबा की उन्होंने तो अपने आप को दुरुस्त कर लिया। इन्ना लजीना कफरू, लेकिन जो लोग काफिर हो गए, वो मातू और मर गए, वो हम कुफारुन, और वो कुफर की हालत में ही वफात पा गए। उलाई का अलैहिम लानतुल्लाही, इन पर अल्लाह ने लानत की, वल मलाइकती और फरिश्तों ने, वन नासी अजमईन, और तमाम के तमाम लोगों की लानत है जो कुफर की हालत में मर गए और तौबा नहीं की। इन पर लानत की अल्लाह ने, फरिश्तों ने और तमाम के तमाम लोगों ने। खालिदीन फीहा, वो इस लानत में हमेशा गिरफ्तार रहेंगे। ला युखफ्फफु, नहीं हल्का किया जाएगा, अनहुमुल अज़ाबु, इनके अज़ाब को, वलहुम युनज़रून, और ना अब उन्हें दोबारा कभी मोहलत दी जाएगी अपनी इस्लाह करने की। वा इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, तुम्हारा माबूद एक ही है। ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही रहम करने वाला है, वही बहुत मेहरबान। अब जो तौबा कर रहा है उसके लिए आम बख्शिश का ऐलान है। इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने अहले किताब का तज़किरा किया जो हक को छुपाने के जुर्म में अल्लाह की लानत के मुर्तकिब हुए, और यहाँ इन लोगों का जिक्र है जो तौबा करके और अपनी इस्लाह करके इस लानत से महफूज हो गए। जिन लोगों ने इल्म को छुपाने और दीगर गुनाहों से तौबा कर ली और इस्लाह कर ली और साफ साफ अहकाम लोगों को बता दिए, इनकी तौबा कबूल हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है। मगर जो लोग काफिर रहे, कुफर की हालत में मर गए, अपनी जिद पर अड़े रहे और तौबा इस्लाह और ऐलान हक से महरूम ही दुनिया से चले गए, तो उन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और सब लोगों की लानत है। इन पर हमेशा हमेशा रहने वाला अजाब होगा, ना इसे अजाब में कोई कमी होगी, ना उन्हें दोबारा सुधरने की मोहलत मिलेगी। आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, तुम्हारा माबूद एक ही है, ला इलाहा इल्ला हु, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, वो बहुत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। अल्लाह की वहदानियत ही सबसे बड़ी चीज है, इसी को खालिक, इसी को मालिक, इसी को माबूद मानना चाहिए, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही तमाम सिफात का मालिक है। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी।